मैं नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं निशन 24 न्यूज। देखिए अभी हम मौजूद हैं जेएनके प्रत्याशी तरुण कुमार गुप्ता जी के पास और आप जामताड़ा में हम मौजूद हैं और आपको बता देते हैं लगभग 9 बजे के करीब होने जा रहा है और काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है जनता जो है बैठी हुई है। क्या कहेंगे सर, क्यों यहाँ पे बैठे हुए हमारे मने जन जन के नेता है, चहेता है, दुख सुख में जनता के हर समय खड़ा रहते हैं। जामताड़ा ही इनका घर है, बाकी लोगों का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, चाहे सीता सोरेन हो चाहे यहाँ इरफान अंसारी हो। इरफान अंसारी का घर मधुपुर देवघर जिला में पड़ता है और इनका घर मोटा मोटी मान के चलिए ये बोकारो में रहते हैं, दुमका में भी मकान बनाया है। इन पर जनता का विश्वास है और किसी के दुख सुख में ही बराबर साथ देते हैं। आने वाले दिन में भी इसी घर में ही रहेंगे और जिन्हें किसी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत हो, हाँ हम इन लोगों का समर्थन इनके साथ है और चंद लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए सर वहाँ बैठे हैं और लोग वहाँ पर जो है भीड़ लगा के उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जामताड़ा में कैसे बदलाव हो सकेगा। तो चंद लोग और खड़े हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। एक युवा है हमारे साथ जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, काफी देर से बैठे हुए। क्या है, काफी समय पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं जनता दरबार? देखिए मेरा नाम है काजल पंडित। सबसे पहली बात है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे जामताड़ा विधानसभा में सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि आज तक मेरे यहाँ मैट्रिक करने के बाद यहाँ की लड़का का कोई भविष्य नहीं है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पीजी करने के लिए कॉलेज नहीं है। आज लड़कियाँ हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करने के लिए देवघर या तो मधुपुर जाते हैं। हमारे जो विधायक है मान्यवर इरफान अंसारी जी, जो अपना क्षेत्र जामताड़ा रहते हुए भी वो अपना मधुपुर में जाके बीएड कॉलेज, वहाँ का कॉलेज पीजी का कॉलेज किए हुए हैं। यहाँ जामताड़ा में आज तक ताड़ी माढ़ी और साड़ी के अलावा दूसरा किसी चीज का विकसित नहीं हुआ है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ सभी जनता से कि जागे और हमारे बाल बच्चा के भविष्य के बारे में सोचे। बदलाव चाहिए कि नहीं? बदलाव जरूर चाहिए। किनसे चाहिए बदलाव? ये सरकार से भी बदलाव चाहते हैं हम लोग कि आज तक सीजीएल का परीक्षा या किसी चीज का एग्जाम अगर वैकेंसी बोला था, सरकार बोला था कि 5 साल में हम लोग बेरोजगार भत्ता देंगे और बेरोजगार भत्ता तो नहीं है दिए और नौकरी के नाम पे तो कुछ नहीं दिए, खाली ठकने का काम किया है। और सरकार कहती है कि हम मैया सम्मान योजना चला रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि 5 साल पहले आप कहां थे? ये योजना अगर आप चलाने चाह रहे थे कि मैया को सम्मान देना चाहते थे तो 4 साल 5 साल पहले आप कहां थे जब लास्ट चुनाव का ये लड्डू देने का काम किए हैं? चलिए लड्डू देने का काम किए हैं, पहले कहां थे जब लास्ट समय आया, चुनाव का समय आया और लगा कि आप जनता के बीच जाना चाहिए, सुगुफा छोड़ना चाहिए, लिफाफा खोलना चाहिए, तो उन्होंने एक लिफाफा खोला मैया योजना, जिसके तहत महिलाओं को जो है आकर्षित करने का काम किया, वोट बैंक को बदलने का काम किया। एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है, युवा है और लगातार मुझे लगता है कि राजनीति से भी जुड़ रहे हैं और लोगों की बातों को भी सुन, हर प्रत्याशी की बातों को भी सुन रहे होंगे। क्या लगता है किस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है और आप किसके समर्थन में जाना चाहिए? देखिए जामताड़ा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और ये हमारे जो जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है तरुण गुप्ता जी, ये प्रत्याशी एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के बीच आज 20 साल से जुड़ा हुआ है। आज ये भीड़ देखिए, कार्यकर्ता देखिए, ये कोई नया संगठन नहीं है, ये जमीन स्तर पर लगातार लोगों के बीच रहा है, सुख हो या दुख हो लगातार लोगों के बीच में काम किया है। और आने वाला जनता, आने वाला युवा झारखंड में परिवर्तन चाहता है, जयराम महतो के नेतृत्व में एक नया झारखंड देखना चाहता है, क्योंकि झारखंड जल रहा है, झारखंड के खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, यहाँ के जो युवा है उनको बेरोजगार करने का जो प्लानिंग चल रहा है पढ़ा लिखा के, अगर युवा बेरोजगार नहीं रहेगा तो मतलब जाति समीकरण में उलझ जाएगा, जात पात का जो राजनीतिक हो रहा है उसको हम लोग बंद करके जमात का राजनीति करना चाहते हैं और झारखंड को एक नया झारखंड बनाना चाहते हैं। इसी बात के साथ आपको चैनल के माध्यम से एक बीजेपी कांग्रेस या जेएलकेएम? जेएलकेएम। चलिए एक सवाल का जवाब जेएलकेएम। चलिए और आप देखिए कि एक समय काफी लंबा होते जा रहा है, 9 के करीब बज चुका है और महिलाएं अभी भी यहाँ पे बैठी हैं तरुण गुप्ता जी की बातों को सुनने के लिए और सुन भी रही हैं। चलिए एक महिला है हमारे साथ मौजूद कि
बोलिए क्यों यहाँ इतना देर तक बैठी है, रात होने जा रहा है, किनको सुनने के लिए बैठी है? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता जी को सुनने बैठे। कैसा विकास चाहते, बदलाव चाहती हैं? हाँ बदलाव चाहती है। चलिए ये बदलाव चाहती हैं। महिलाएं हैं, आपको बता दें कि आदिवासी में थोड़ा सा महिलाएं बोलने में थोड़ा सा शर्माती हैं, आप देख सकते हैं शर्म है इनको। कुछ लोग और भी बैठे हुए, सारे महिलाएं बैठे हैं, सब लोग यही चाह रहे हैं कि बदलाव हो, थोड़ा सा समाज में परिवर्तन हो, लोगों की बातें हो। और चलिए एक शख्स और आ गए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। चश्मा उश्मा पहने हुए हैं, काफी टाइट लग रहा है, दिखता है जी? एकदम पूरी तरह से हम दिख रहे हैं, एकदम राइट। मेरा कैमरा दिख रहा है, एकदम पूरा दिख रहा है, जामताड़ा का भविष्य दिख रहा है, एकदम पूरा भविष्य दिख रहा है। वो भी है तरुण गुप्ता के हाथों में है। क्या दिख रहा है? क्योंकि 5 साल से संघर्ष किए हैं और जितना खुशहाल जो यहाँ का माहौल दिख रहा है, और तरुण गुप्ता जो मेहनत किए हैं वो सब खुशी से पूरा एकदम पूरा चहुमुखी विकास दिख रहा है चारों तरफ। और जनता के अंदर में वो लाहौर पैदा हो चुका है कि इस बार मन में ठान लिया है जनता ने कि 2024 का चुनाव तरुण गुप्ता के हाथ मजबूत करके विधानसभा भेजेंगे। और हम लोग भी संकल्प ले लिए इस बात का कि तरुण गुप्ता को ही कैसी छाप पर वोट देकर विजय बनाना है। इसी साथ बोल के हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चश्मा के बाहर से इनका भविष्य जमताड़ा का देख रहे थे, और इन्होंने बताया भी कि जमताड़ा का भविष्य कैसा दिख रहा है और कैसे बदलाव होगा और बदलाव में कौन आएंगे और उनके जितने बार भविष्य कैसा चमकेगा। चलिए एक शख्स और है, दाढ़ी उड़ी आज बना है लगता है, पहले से बना हुआ है, ये हम बहुत तलाश रहे लेकिन मिल नहीं रहा, लेकिन ले ही लेंगे, नहीं होगा तीन ही लोग छीन लेंगे। चलिए ठंडा लग रहा है क्या? नहीं ठंडा क्या लगेगा, ठंडा नहीं लगेगा, चुनाव का माहौल, चुनाव का गर्मी है, ठंडा क्या लगेगा, चुनाव का गर्मी है। और आप देख सकते हैं गर्मी में भाई साहब एकदम पहुंचे हुए। चलिए चलिए अब गंभीर बातें हम करते हैं, किस तरह जमताड़ा त्रस्त है, किस तरह से त्रस्त है? देखिए अभी जनता 5 साल से 30 साल से 35 साल से बाप राज किया, 10 साल से बेटा राज किया, ठीक ना, और विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ देख लीजिए जमताड़ा में ना बीएड का पढ़ाई होता है, ना एमए का पढ़ाई होता है, यहाँ ना रोजगार का व्यवस्था है, यहाँ का आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए। सबसे बड़ी समस्या वही है, यहाँ रोजगार का व्यवस्था नहीं है, इसमें बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग जेएलकेएम के प्रत्याशी तरुण गुप्ता जो गरीबों का मसीहा के रूप में जाने उम्मीद जगाया है, एकदम जगाया है, और इन पे हम लोग पूरा दिलों से चाहते हैं कि इनको एक बार हम लोग बहुमत से जिताएं। चलिए तो अभी हमने जनता की बातों को आप तक पहुंचाया है, जनता की बातें भी सुन रहे हैं, महिलाओं की बातों को भी सुना, प्रत्याशी की भी बातों को सुना और समझे और जानने का कोशिश किए कि आखिर किस तरह का जमताड़ा जनता चाहती है, जहां रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। और जमताड़ा पे फिल्म भी बना है, आप वेब सीरीज देख सकते हैं, यानी कि वो क्राइम बेस, कोई अच्छी फिल्म नहीं बनी थी, क्राइम बेस पर बनी थी, साइबर क्राइम पे मूवी बनी थी। अच्छा आप भी है, थोड़ा मुस्कुराइए ना, अच्छा लगे। चलिए एक सवाल, जमताड़ा में वेब सीरीज बना था साइबर क्राइम पे, अच्छा लगा था देख के? अच्छा भी लगा था और देखे भी थे, और जामताड़ा कुछ परिवर्तन भी इसमें हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस मुद्दे पर आता हूँ, जामताड़ा में इस बार परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, और जामताड़ा में जितना भी जनता लोग है ना, मूड बना लिया है इस बार कि तरुण गुप्ता को विधायक बना के रांची भेजने का मूड एकदम बना लिया है, परिवर्तन तय है। शामिल है क्या साइबर वाला पे, क्या आपसे सवाल हम साइबर पे किया, आप चले गए कहीं और? नहीं हम बोल दिए उसका, ये बताइए कि जामताड़ा वेब सीरीज जो बना था, आप सबसे पूछ रहे हैं, आप लोगों को जामताड़ा अच्छा लगा उसमें देख के? नहीं नहीं अच्छा एकदम नहीं लगा। कैसा लगा ऐसा, क्या बताएंगे उसमें? बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, देख के बहुत खराब लग रहा था, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि आज हमारे जमताड़ा क्या हो रहा है, उससे बदलाव जरूरी है। और आशा करते हैं कि इस बार हमारे प्रत्याशी जो तरुण गुप्ता जी है, इस बार अगर विधायक बन जाते हैं तो वो सारा चीज खत्म होने। चलिए तो इन लोगों को उम्मीद है कि यदि इस तरह का जिस तरह से जमताड़ा वेब सीरीज को लेकर इनका नकारात्मक है कि भाई अच्छा नहीं लगा, नाम खराब हुआ, छवि खराब हुई, तो इनका कहना है कि प्रत्याशी तरुण गुप्ता जी यदि यहाँ से जीत के जाते हैं तो इन्हें उम्मीद है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर साइबर क्राइम जो बंद होगा, जिससे कि यहाँ की बदलाव होगा, युवा यहाँ पे गलत रास्ते न चुन के नए अच्छे रास्ते को चुनेंगे, शिक्षा का अलग जगेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और कहीं ना कहीं एक बेहतर जामताड़ा लोगों के पटल पर, झारखंड के पटल पे नजर आएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, नमस्कार।